उस पेड़ से जंजीर से प्रेमी प्रेमिका की लाश बंधी थी, दोनों की लाश अधजली थी, जिस कहानी में था लवर ब्लैकमेलर। आप भी देखिए दो अधजली लाशों का खुलासा, एक महबूबा दो आशिक, इश्क खल्लास। आशिक को लगी दूसरे आशिक की खबर, फिर लवर बना ब्लैकमेलर। एक पेड़ जंजीर से बंधी दो लाशें, एक महबूबा दो आशिक, इश्क खल्लास। दो अधजली लाशें, खुल गया राज। मोहब्बत का खौफनाक दंड, मोहब्बत का खौफनाक दंड। इस पेड़ से बंधी थी मोहब्बत की अधूरी कहानी, इस पेड़ से बंधा था ब्लैकमेलिंग का राज। इस इलाके में एक शख्स और एक महिला की अधजली लाश मिली थी। हैरानी की बात ये थी कि दोनों की लाश पेड़ से बंधी थी, वो भी एक ही जंजीर से। मरने वाले कौन थे? एक ही जंजीर से लाश का बंधा होना या मर्डर की तरफ इशारा कर रहा था? छतरपुर की लवकुश नगर थाना पुलिस इस अधजली लाश के राज खंगाल रही थी। 10 दिन पहले ये लाश मिली और लाश का खुलासा हैरान करने वाला निकला। लगभग 10 दिन पूर्व एक लवकुश नगर में गंभीर घटना हुई थी, जिसमें दो डेड बॉडी जली हुई एक पेड़ से बंधी हुई मिली थी। गंभीर मैटर था, सभी वरिष्ठ अधिकारी स्पॉट में गए थे। 38 साल की महिला थी जो अपने मायके लवकुश नगर आई थी। जिस लड़के की लाश महिला के साथ पेड़ से बंधी थी, वो पेशे से शास्त्री था। 30 साल का शास्त्री दिल्ली से छतरपुर पहुंचा, गोरिहार का रहने वाला था। महिला और शास्त्री दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कॉल डिटेल्स में ये बात सामने आई है कि महिला ने अपने प्रेमी शास्त्री को मिलने बुलाया। उसके बाद दोनों की लाश मिली अधजली हालत में। मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी तब फेल हो गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। दरअसल ये सुसाइड का मामला था। प्रेमी प्रेमिका दोनों ने जंजीर से खुद को पेड़ से बांधा और उसके बाद आग लगाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन इस लव स्टोरी का एक विलेन है जो आपको नजर नहीं आ रहा, पुलिस की गिरफ्त में। पूरी कहानी ब्लैकमेलिंग, मोहब्बत और नफरत की है। दरअसल आरोपी रीवा का रहने वाला मोनू उर्फ अमर रजक है, जो महिला और उसके प्रेमी को ब्लैकमेल कर रहा था, ये कहकर कि वो इस मोहब्बत का राज खोल देगा। इस टीम ने भौतिक साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य, सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित करके लगातार एफर्ट किया, तो ये संज्ञान में आया कि इसमें जो मेन आरोपी है मोनू उर्फ अमर रजक, जो कि रीवा का रहने वाला है, उसका उस मृतिका से करीब 3 साल पूर्व से लगातार संबंध है और उस मृतिका को लगातार वो फॉलो भी कर रहा था। इस लव स्टोरी में भी कई ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट ये कि आरोपी मोनू और महिला के एक दूसरे से प्रेम संबंध थे करीब 3 साल से, लेकिन इस बीच महिला की जिंदगी में दूसरे प्रेमी यानी शास्त्री की एंट्री हुई। इसके बाद पहला आशिक मोनू आग बबूला हो गया। बीच में मृतका के उसके जो दूसरा एक अन्य मृतक था राजेश मिश्रा, उससे कहीं ठीक बातचीत होने लगी होगी। इसको लेकर के वो शंकास्पद था, इसको परेशान भी करता था और साक्ष में आए हैं कि उसको लगातार वो फॉलो भी कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की भी पूरी उसमें संभावना मिल रही है। अभी तो प्राइम ऑफिस की हमारी जांच चली रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है सब मैटर में, तो इससे परेशान होकर जाकर। एक और खुलासा जो हैरान कर देगा, मरने वाली महिला शादीशुदा थी। नाजायज इश्क और सुसाइड का खुलासा हैरत में डालने वाला है। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 7 एकड़ की जमीन और 7 भाइयों की जंग, बदलापुर की वो कहानी कि भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। 4 भाई एक तरफ जिनका साथ दे रहा था पिता, और दूसरी तरफ थे 3 भाई, जिस बदलापुर में हुआ डबल मर्डर। पहले लाठी से पीटा, फिर ट्रैक्टर चलाकर ले ली जान। 7 एकड़ जमीन, 7 भाइयों की जंग, जमीन की जंग, लहू लुहान रिश्ते, लाठी से वार, ट्रैक्टर चढ़ाया, भाइयों के बीच नफरत की दीवार, बंटवारा, बदलापुर, डबल मर्डर।
जमीन का एक टुकड़ा रिश्तों के कितने टुकड़े कर सकता है उसकी गवाही देती ये लाइव तस्वीरें हैं। 7 एकड़ जमीन की वो जंग जो न जाने कब से 7 भाइयों के बीच चली आ रही थी, इस जंग में किसे क्या हासिल हुआ वो तस्वीरें बता रही हैं। ये लाशें रिश्तों की हैं। सड़क किनारे कैसे रिश्तों को मौत के घाट उतारा गया, लाठी से पीट पीट कर जान ही ले ली गई, आरोप की अधमरी हालत में ट्रैक्टर चढ़ाया गया जिससे कोई बच ही न सके। मृतक दोनों भाई थे भागबली और वकील, जिनका एक और भाई भी घायल हुआ है। जैसे ही भागबली और वकील और कौशल वहां पर पहुंचे, लाठी डंडा से उस पर ताबड़तोड़ हमला किए सभी मिलकर, जिससे मौके पे ही ये लोग घायल हो गए। उसी दौरान केजू पाटले ने एक ट्रैक्टर को चालू करके इसमें भागबली के ऊपर और वकील पाटले के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया बार बार, जिससे मौके पे ही भागबली की मृत्यु हो गई। अब देखिए जमीन का एक टुकड़ा कैसे बदला और इंतकाम के खूनी रंग से रंग गया। भागबली और वकील की हत्या करने वाले उनके सगे भाई और परिवार के ही लोग हैं। भाई ही नहीं, पिता पर भी बेटों के कत्ल का इल्जाम है। इस खूनी खेल में बंटवारा, मुखालफत और फिर कत्ल। दरअसल मुंगेली के फास्टरपुर थाना इलाके के बुधवारा गांव में आरोपी तोरण के 4 बेटे पिता के साथ थे और 3 बेटे दूसरी तरफ। पूरी कहानी बंटवारे की है। 7 एकड़ जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। 3 भाई इसके लिए राजी नहीं थे। आरोपी तोरण पिता के कत्ल में सजा काट कर आ चुका है, जिसे अपने 3 बेटों की बगावत चुभ गई। घायल को तत्काल अस्पताल भेजवाया गया, साथ ही कौशल जो घायल था किसी तरह वो बचा, उसको भी बचाया गया और तुरंत उसमें वकील की पत्नी को भी बचाया गया, उसे अस्पताल भेजा गया। साथ ही घेराबंदी कर तत्काल मौके से इसमें 9 आरोपी में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे खेत पर काम कर रहे थे तभी पिता ने 4 बेटों के साथ सगे बेटों पर हमला करके सगे बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी। जमीन बंटवारे लेकर काफ़ी पुराना रंजिश था। इसमें जो आरोपी पक्ष में इनका जो पिता है तोरण, वो भी पाटले, वो भी आरोपी पक्ष में है और पूर्व में तोरण पाटले के विरुद्ध भी हत्या का, वो अपने सगे भाई की हत्या का अपराध पूर्व में दर्ज हो चुका है। रिश्तों के 5 कातिल अरेस्ट हो चुके हैं, 4 की तलाश जारी है। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोलकाता की घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बंदूकधारी गार्ड की तैनाती की बात कही। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी निगरानी के लिए टीम बनाई जाएगी। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। मेकाहारा अस्पताल में पेट स्कैन मशीन को, वही डीकेएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है। मेडिकल कॉलेज में उन सभी जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इसी तरह से डीकेएस में भी जो गैस पाइपलाइन कोरोना के समय से बन रहा था, तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने का और उसके खिलाफ FIR करने का भी कल निर्णय लिया गया है। और डीकेएस के साथ साथ जो मेकाहारा है उसमें MRI मशीन और CT मशीन जो पुराने हो चुके हैं उसके लिए नए मशीन भी खरीदने के लिए कल प्रस्ताव में कमेटी में पारित किया गया है। ये दिल दहलाने वाली वारदात है उस इलाके की, जिस घर में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर से धुआं भी उठ रहा था, कातिल ने गद्दा भी जलाया था। क्या बच्चों की लाश जलाना चाहती थी वो लेडी किलर? कातिल का खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए रिपोर्ट। एक कातिल जो गुमसुम थी,
लेडी किलर की खामोशी राज क्या? घर में धुआं, जलता गद्दा, कई सवाल। डबल मर्डर, मासूम बच्चों की ली जान। घर में किसने खेला खूनी खेल? कुल्हाड़ी से वार, ममता का मर्डर। पांच साल की प्यारी सी गुड़िया और उसका तीन साल का मासूम भाई, दोनों भाई बहन की ये तस्वीर ही बची है अब इस परिवार के पास, जिन मासूम बच्चों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हैवानियत के बारे में सुनेंगे तो लगेगा जैसे कोई इंतकाम ले रहा हो, बच्चों से नफरत कर रहा हो, लेकिन कुल्हाड़ी के कई वार मासूम जान पर किए गए, कातिल के हाथ भी नहीं कांपे, भाई बहन दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। बच्चों की लाश के पास गद्दा भी जला हुआ था। क्या लाश को जलाने का कातिल का इरादा था या फिर जलाकर कातिल बच्चों की हत्या करना चाहता था? रायसेन के देवरी थाना इलाके के आलनपुर इलाके में डबल मर्डर की इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घर से उठता धुआं जब लोगों ने देखा तब इस बात का पता चला कि घर में खूनी खेल खेला गया। आखिर बच्चों की हत्या किसने की? क्या किसी बाहरी शख्स ने आकर बच्चों को मार डाला? घर में मौका वारदात के वक्त सिर्फ बच्चे और उनकी मां मौजूद थी। बच्चों का पिता काम पर गया था। बच्चों की हत्या की खबर पिता ने ही पुलिस वालों को दी। ये घटना है आज सुबह लगभग 10:30-11 बजे की लगभग की बात होगी, तो एक महिला ने अपने दो बच्चे जिसमें एक नैना 5 वर्ष और बेटा देव है जो 3 वर्ष है, इसकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई। पुलिस वालों को कातिल की तलाश नहीं करनी पड़ी क्योंकि कातिल कोई और नहीं बच्चों की मां थी। पुलिस की गिरफ्त में यह है और इसके चेहरे पर क्या आपको कोई शिकन नजर आ रही है या फिर इसके हावभाव से ऐसा लग रहा है कि इसे बच्चों की हत्या का गम है? गुमसुम और खामोश कातिल। और यह सूचना उसके पति के द्वारा दी गई और उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जो घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि बच्चों की माता के द्वारा ही बच्चों की हत्या की गई है। तो संभावित स्थानों पे वहां पे संपर्क किया गया और उसको अभिरक्षा में लिया गया महिला से और पूछताछ जारी की अलग अलग कारण बता रही है महिला। तो अब चूंकि उसको अभिरक्षा में लिया गया उससे विस्तृत पूछताछ की जाकर कारण का पता लगाया जाएगा। जिस मां से पुलिस वाले भी पूछ रहे कि बच्चों को क्यों मारा लेकिन महिला के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। आखिर मासूम बच्चों की हत्या के पीछे की वजह क्या थी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई या फिर ऐसा कौन सा झगड़ा, कौन सा पारिवारिक विवाद जिसका खामियाजा बच्चों ने भुगता? एक बच्ची है उसके पास में जो गद्दा था वो कुछ जला हुआ हालत में है, तो उसके भी बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों से क्या क्यों ऐसा किया गया करते थे वो एक ढाबे में काम करना पता चला है, तो उनसे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फिर से इन मासूम बच्चों की तस्वीर देखिए, कैसे एक माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को कुल्हाड़ी से काट सकती है। ये बच्चे यही फरियाद कर रहे हैं, जैसे माँ हम जीना चाहते थे। रायसेन में दिनेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल पर गरजती है बंदूकें, यहां बोली जाती है गोली की बोली। बंदूक रखना लोग स्टेटस समझते हैं, पिस्टल को शान, फायरिंग यहां आम बात है। और इसी चंबल से एक ऐसी तस्वीर आई है जो हैरान कर देगी। दो मासूम बच्चों के हाथ में थमा दिया गया मौत का सामान और फिर बनाया गया वीडियो, दिल और दिमाग को झकझोर देगी ये तस्वीर, देखिए आप भी। बीहड़ के बंदूकबाज कब आएंगे बाज, बंदूक का टशन, गोली की बोली, पिस्टल है खिलौना नहीं। मुरैना की यह तस्वीर हैरान कर देती है। मासूमों के हाथ में मौत का हथियार। तुम्हारी कौन सी है? कौन सी है तुम्हारी? तो अच्छे से देखा, ये वाली। मासूमियत से खिलवाड़, कैसे रंगबाज।
इनके लिए बंदूक ही पहचान है, चंबल में दहशत का दूसरा नाम है। ये तस्वीरें बंदूक, पिस्टल, गोली यानी स्टेटस सिंबल, मौत के हथियार से ऐसे खेलते हैं चंबल वाले। ये बंदूकबाज कभी हर्ष फायरिंग के नाम पर मौत बांटते हैं, कभी टशन में लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। चंबल की ये तस्वीरें होश उड़ा देती हैं। असलहे का अड्डा ये घर ही बना है। देखिए महिला कैसे पिस्टल को चमका रही है जैसे घर के बर्तन हो। इस कार से भी बंदूक बरामद हुई है। अवैध हथियारों का जखीरा मुरैना शहर में जब्त होता रहता है, लेकिन अब इसी चंबल से जो तस्वीर आई है वो डराती है, वो हैरान भी कर देती है। कैसे मासूम बच्चों के हाथ में मौत का सामान थमा दिया गया। ऊपर से पिस्टल थमाने वाला जो सवाल बच्चों से पूछ रहा है उसे सुनिए। तुम्हारी कौन सी है? ये वाली। कौन सी है तुम्हारी? ये वाली। तो अच्छे से देखा। ये वाली। तुम्हारी? ये वाली। तुम्हारी ये वाली है? ठीक है। दोनों चलाओगे? पहले कौन चलाएगा? जल्दी बताओ, पहले कौन चलाएगा? दिल और दिमाग को झकझोर देती हैं ये तस्वीरें। बच्चों की उम्र महज 8 से 10 साल है। भाई बहन के हाथ में पिस्टल वाला खिलौना नहीं बल्कि असली पिस्टल है। पिस्टल थमाकर बकायदा वीडियो बनाया गया। सोच सकते हैं मासूम दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। यही नहीं, दोनों बच्चों को ये कहा गया, दोनों एक दूसरे पर पिस्टल तानो। विगत 2-3 दिन पूर्व पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था हथियार तस्करी के, उसमें तो यही जो तस्करी वाले जो हथियार वीडियो में दिख रहे हैं यही उसने अपने बच्चों को खेलने को दे दिए। उस व्यक्ति और उसके अन्य साथियों के कब्जे से करीब 7 जो है पिस्टल बरामद की गई थी और उसको जेल भेज दिया गया। ये हिमाकत करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि बच्चों का पिता है जो आदतन अपराधी है, अवैध हथियार का तस्कर। मुरैना के जुगनी गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। आरोपी खरगोन से तस्करी करके अवैध हथियार लाता है, जिला बदर है। बच्चों के दिमाग में जहर घोलने वाला सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन सवाल वही है, आखिर चंबल के ये बंदूकबाज कब बाज आएंगे। मौत का ये खिलौना हैरान कर देता है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस बाबा के यहाँ अधिकारी भी चक्कर लगाते थे, लेकिन अब वही बाबा छूमंतर हो गया। तांत्रिक लोगों को शीशे में उतारता बखूबी जानता था। बाबा ने ऐसा माया जाल बुना कि अब लोग कह रहे हैं बुरे फसेरे बाबा। आखिर इस बाबा के कितने शिकार हैं आप भी देखिए। तो बाबा जी रहते थे यहाँ पास और झाड़पुक का उनका कहानी चल रहा था और बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे। मैं सुबह दुकान खोलते समय देखता था, सरकारी गाड़ी में आते थे कुछ लोग, लेडीज़ लोग भी आते थे, जेंट्स लोग भी आते थे। एक तो बाबा जी रहते थे, अब वो आके हम लोग, भाई हम लोग कहाँ जान रहे थे, तो मेरे लड़की को लाई थी मैं कि बाल बच्चा नहीं हो रहा है उसको दिखाने के लिए, तो बोले कि इतना पैसा अभी लगेगा। फिर मैं उसको 7,000 रुपया दे दी। फिर वो क्या बोलते हैं कि और पैसा मांग रहा, तो मैं बोली अभी नहीं है मेरे पास पैसा, बाद में दे दूंगी, और दुनिया भर का बोलने लगा वो। जो जो है आपके पास में पूजा के नाम पे, जैसे लॉकेट दिए थे मेरे यहाँ से, अंगूठी दिए थे और कान का दिए थे, मंगलसूत्र दिए थे, वही था, वही घर में जो भी है दिक्कत तकलीफ उसी को दूर करने के नाम से वो लिया हुआ था। मेरा तो 1,00,000 रुपए का सामान आसपास है। तो बाबा ने ऐसे चूना लगाया जिस बाबा के दर पर अधिकारी भी चक्कर लगाते थे, लेकिन ये नहीं पता था बाबा छू मंतर हो जाएगा। जिस मकान मालिक के घर रहा उसे भी चूना लगा दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस तांत्रिक पर जो इल्जाम लगा है उसे सुनिए और बाबाओं के जाल में फंसने से बचें। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके के सीतापारा में देहरादून का रहने वाला ये बाबा आया, जिसने किराए के मकान में तंत्र मंत्र की दुकान चमकाई। बकायदा बोर्ड पर लिखा कि परेशानी से बाबा निजात दिलाएगा, झाड़ फूंक में माहिर, कुंडली खंगालने में एक्सपर्ट, गृह दिशा मिनटों में ठीक कर दे। ऐसा ही माया जाल बनाया और लोग फंसते चले गए। चल रहा है कि लोग सोना चांदी बाबा लेके भाग गए हैं, किसी का 1,00,000 रुपए लेके भाग गए, किसी का 2,000, किसी का सोना चांदी, ठगी का मामला है सब।
एक ठो बाबा जी रहते थे, अब वो आके हम लोग कहाँ जान रहे थे, तो मेरे लड़की को लाई थी मैं कि बाल बच्चा नहीं हो रहा है उसको दिखाने के लिए, तो बोले कि इतना पैसा अभी लगेगा, फिर मैं उसको 7,000 रुपया दे दी। फिर वो क्या बोलते हैं कि और पैसा मांग रहा, तो मैं बोली अभी नहीं है मेरे पास पैसा, बाद में दे दूँगी, और दुनिया भर का बोलने लगा वो। फिर हम लोग डर गए, बोले कि बाबा जी है कार कुछ कर दे, हम लोग पैसा मांगने के लिए कर रहे थे। फिर मैं बोली कि नहीं भाई हम लोग नहीं मांगेंगे पैसा, ऐसे करके फिर और पैसा कहाँ से हम लोग देंगे पैसा, गरीब आदमी, और 7,000 रुपया मेरा हड़प के चल। यही नहीं, इस केस में फरियादी तांत्रिक जिस घर में रुका था उस घर के मालिक को भी चूना लगा दिया, जेवर लिए और लाखों का चूना लगाया। खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक को ये पता चला कि बाबा तो जेवर लेकर फरार हो गया है। बहुत बड़ा ठगी करके गया हुआ है, और इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे लोग अपना समस्या को लेकर आया करते थे। तो बुधवार को बिना सूचना दिए, जैसे पहले कभी बाहर जाता था तो अपना गेट दरवाजे पे लिख के जाता था कि मैं इतना दिन के लिए नहीं हूँ, पूजा करने जा रहा हूँ। बाबा अक्सर बोर्ड लगाकर ये लिखता था कि वो फलाना तारीख तक नहीं रहेगा, लेकिन इस बार गया तो बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा था। मकान मालिक को शक हुआ तो घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और बाबा लापता था, मोबाइल बंद था। देखने पे मेरे को सुबह शाम नहीं दिखे, तो इनका मैंने फोन ट्राई किया, वो दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहा था जो इनका बोर्ड पे नंबर था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।